हाई ब्लड प्रेशर ये एक ऐसी आम समस्या हो गई है जिसमें धमनियों में ब्लड का प्रेशर समय के साथ धीरे धीरे बढ़कर इतना ज्यादा हो जाता है कि इस वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम। वहीं इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि सालों तक इसके लक्षण नजर ही नहीं आते हैं। वहीं समय रहते इसका पता लगाकर हेल्दी लाइफस्टाइल और मेडिसिन के जरिए इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। नमस्कार, मैं कपिला और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ शो तंदुरुस्ताए नमः, जहां हम आपको सेहत से जुड़ी जानकारियां देते हैं। बता दें कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर को ही मेडिकल टर्म में हाइपरटेंशन कहते हैं। आज यानी 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है। इसे मनाने का मकसद लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूक करना है। वहीं इसके बारे में और भी डिटेल जानने के लिए हमने बात की जालंधर शहर के इनोसेंट हार्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट चंद्र बोरी से। तो आइए जानते हैं। मैं डॉक्टर चंद्र बोरी, MD मेडिसिन। आज आपको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर ये एक ही शब्द जो है, एक ही बीमारी है जो दो शब्दों में हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपरटेंशन कह देते हैं। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में ब्लड प्रेशर या BP भी कह देते हैं। सो बेसिकली हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर एक ही चीज है, कोई दो डिफरेंट चीजें नहीं है। हम ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं या हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? आम व्यक्ति के लिए जिसको कोई बीमारी नहीं है उसके लिए नॉर्मल BP 120/80 लेके चलते हैं, और जब ये BP 140/90 के ऊपर चला जाता है तो उसे हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। जिस व्यक्ति को हार्ट की या गुर्दों की तकलीफ है उनके लिए हम BP 130/80 का टारगेट लेके चलते हैं। कितने प्रकार का होता है ब्लड प्रेशर? जो है दो प्रकार का होता है। एक प्राइमरी जो उम्र के साथ धीरे धीरे आता है, और एक सेकेंडरी जिसका कोई ना कारण होता है, जैसे किडनी की प्रॉब्लम होना, कोई नाड़ियों में धमनियों में कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा बढ़ जाना। आखिर हाइपरटेंशन होता क्यों है? हाइपरटेंशन का जो मेन कारण है, एक तो हमारा खाना पीना, हम घी मक्खन परौंठे पूरियां जंक फूड कोल्ड ड्रिंक्स कॉफी अल्कोहल जैसे शराब कहते हैं उसका सेवन, सिगरेट का पीना, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण है हम कोई वर्जिश वगैरह एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, जिस कारण हमारा वेट बढ़ता है। वेट बढ़ने के साथ ही ब्लड प्रेशर साथ-साथ ही या हाइपरटेंशन साथ-साथ ही आता है। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो पता कैसे चलेगा? 99% हाइपरटेंशन का कोई सिम्टम नहीं होता। बहुत रेयर, एक हमारे बन में बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि BP से हेडेक होता है। इस रेयर ऑफ रेयरेस्ट BP से हेडेक कभी नहीं होगा। हेडेक से BP जरूर बढ़ सकता है, वो भी नॉर्मली 140 90 150 90 से ज्यादा नहीं होता कभी भी। तो हमें सिम्टम पे नहीं जाना, हमें अपने आप को डॉक्टर साल में एक बार जरूर चेक कराना है कि हमारा BP तो नहीं है हमें कहीं। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर बोला जाता है, क्यों? जब कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर जिसको है या हाइपरटेंशन जिसको है, उनको नॉर्मली BP चेक लोग कराते नहीं, जल्दी नहीं कराते। जब रात को BP बढ़ता है तो ब्रेन का अटैक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज जिसे कहते हैं, या हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है। इस कारण कई व्यक्तियों की रात को सोए सोए ही मौत भी हो सकती है। हाइपरटेंशन होने पर और किस तरह के हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं? हाइपरटेंशन के होने से आपका ब्रेन प्रेशर हो सकता है, जैसे स्ट्रोक कहते हैं या पैरालिसिस कहते हैं, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। आंखों पर असर हो सकता है, आंखों के पीछे हैमरेज हो सकता है। हार्ट पे असर होता है, हार्ट का साइज बढ़ जा सकता है या हार्ट अटैक हो सकता है। किडनी डैमेज कर सकती है ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन सबसे ज्यादा किन को होता है? हाइपरटेंशन का पहले तो हम कहते थे 40-50 साल पहले कि बुजुर्गों को ज्यादा होता है, जैसे उम्र बढ़ती है उनको BP या ब्लड प्रेशर हो सकता है। बट अब हम देख रहे हैं जैसे हमारी चिंताएं बढ़ रही हैं, हमारा खान पीन खराब होता जा रहा है, और वर्जिश कोई नहीं है, और यंग बच्चे जो आजकल बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन शेक्स प्रोटीन डाइट्स या स्टीरॉइड्स का सेवन कर रहे हैं, उनको ये बीमारी आ सकती है। हाइपरटेंशन का आंखों पर क्या असर पड़ता है?
देखो अगर बीपी कंट्रोल नहीं करेंगे आप उसे ग्रेजुअली विद टाइम ओवर टाइम, एक दो साल में नहीं, 5-10-20-25 सालों के बाद हमारी आंखों पे असर हो सकता है। इसमें मेन होता है कि आंखों के पीछे धमनियां जो आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उससे आपकी नज़र पे निगाह पे फर्क पड़ सकता है। अगर उसको डिले कर दें तो कई बार निगाह भी जा सकती है। क्या किडनी डैमेज होने का कारण हाइपरटेंशन हो सकता है? बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर बीपी कंट्रोल नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी किडनीज लॉन्ग रन में डैमेज हो सकती हैं, और उससे प्रॉब्लम ये आती है हमें कि हमें इसको रिवर्स नहीं कर सकते कभी भी। हार्ट फेलियर होने में हाइपरटेंशन का कितना रोल है? अगेन अगर बीपी कंट्रोल नहीं होगा तो डेफिनेटली हार्ट फेलियर या हार्ट की पंपिंग कम होना विद टाइम डेफिनेटली पेशेंट को डेवलप हो जाती है, और इसको मैनेज करने में बहुत दिक्कत आती है और दवाई लाइफ लॉन्ग बढ़ती जाती है उसके बाद। किसी को हाइपरटेंशन है तो उसे खाने में क्या नहीं खाना चाहिए? मेन तो वही नमक कम से कम लेना है, घी मक्खन परांठे पूरियां अवॉइड करनी है, जंक फूड अवॉइड करना है, सिगरेट अल्कोहल कम से कम सेवन करना है, ड्रग्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, और कुछ दवाई लाइक स्टीरॉयड्स जो हम पेपर मेडिकल में देते हैं उनको बड़े ध्यान से डॉक्टर के देखरेख में ही लेना है, अपने आप नहीं लेना। नॉर्मली नमक को मात्रा हम कहते हैं कि अगर एक पेशेंट को ब्लड प्रेशर है जो खाने में नमक डालते हैं वही यूज़ करना है, उसके अलावा नमक यूज़ नहीं, जैसे टेबल सॉल्ट कहते हहैं उसको यूज़ नहीं करना। सो अगर खाने में 3 चम्मच नमक डालते हो उसको 2 या 2.5 चम्मच कर लें और टेबल सॉल्ट बिल्कुल यूज़ ना करें। हाइपरटेंशन से कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है? देखो पहले तो हमें एक टारगेट रखना चाहिए, हमारा एवरेज नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, और बट 140/90 तक हम दवाई नहीं शुरू करते, हम उस पर रोकथाम के लिए पेशेंट को मार्गदर्शन करते हैं। उसके लिए हमें मेन तो हमें डाइट पे ख्याल रखना पड़ेगा, नमक कम, हमने ज़्यादा कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं लेने, एक्सरसाइज जरूर करनी है ताकि हमारा वजन ना बढ़े, या जैसे बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस हो गए उसको हमने अवॉइड करना। देखो अगर तो बीपी हम इन चीज़ों से कंट्रोल कर लें तो बहुत बढ़िया, पहले कहा था रोकथाम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर हम प्रिवेंट कर लें वो बेटर है रादर दवाई शुरू की जाए। अगर जब दवाई शुरू करनी है तो उसमें हमें हर पेशेंट की देख के हम किस पेशेंट को कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है उस बेस पे हम दवाई शुरू करते हैं। हर पेशेंट चॉइस ऑफ ड्रग्स इज ऑल्सो डिफरेंट रिलेटेड टू दैट ऑर्गन डैमेज। उम्मीद है कि ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन से जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। हाइपरटेंशन से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हेल्थ से जुड़े और कौन से टॉपिक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं वो भी हमें लिखें। नमस्कार।